बड़वानी में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हितग्राहियों के पट्टा वितरण की मांग को लेकर जयश का धरना 17वां दिन भी जारी रहा। जयश के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिले के 11,600 पात्र हितग्राही है, लेकिन 80 लोगों को पट्टा वितरण कर जिले में वन उत्सव मनाया जाता है। कई फाइल गुम हो चुकी है। पटेल ने कहा कि कलेक्ट्रेट के गेट पर पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आता है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कब से बैठे हैं आप धरने पर? दिनांक 17 से जिला मुख्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर। आज कितने दिन हो गए? आज 17वां दिन भी जारी है। प्रमुख मांग क्या आपकी? प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो दिनांक 2018 को जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो स्वीकृत फाइल की गई थी, हम पात्र दावे की मांग कर रहे हैं। जैसे आप कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठे हैं, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, कभी आपसे किसी ने रुककर बात करने की कोशिश की क्या? नहीं, अभी तो कोई भी जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार प्रशासन कोई भी आकर यहाँ पर ये नहीं पूछा कि आप किस मांग को लेकर आए हैं। बीच में प्रतिनिधि मंडल बुलाया था, उनका कहना था कि आप लोग उठ जाओ, हम 10 दिन के अंदर आपको जो पात्र 2018 की स्वीकृति है उन्हें हम वितरण कर देंगे। लेकिन आज 10 दिन भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर, जिम्मेदार प्रशासन नहीं आ रहा है। कब तक बैठेंगे आप? हमारे जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती, जब तक हमारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे सर्वप्रथम 2018 की जो स्वीकृति है वो प्लस बड़वानी जिले में 11,600 वन अधिकार अधिनियम 2006 के पात्र दावे हैं, उन्हें पट्टे वितरण करें, क्योंकि वन उत्सव मनाकर केवल 80 पट्टे वितरण करे हैं, जो बड़ी दुखद बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।